हे गाइस, थंबनेल लेकर आप लोगों को बताया कि यूनियन सर्विस कम्युनिटी ऑफिसर के रूप में पोस्ट निकला, क्या क्या वैकेंसीज भरेगी, कहाँ कहाँ के लोकेशन पर है, एज लिमिट कितनी चाहिए, पूरी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो का मिनट आप लोग पैसा ले देख लेते हो, 4 मिनट का टोटल वीडियो है, 4 मिनट आप लोग का मत जाने दीजिए यार, मैं 4 मिनट आप लोग का बेकार नहीं खेलूँगा, पूरा डिटेल्स में बताऊँगा वीडियो को, आप लोग बिना स्किप किए देखना। चलो बिना कुछ देर के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों की इस एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, एज लिमिट कितना पड़ेगी, सैलरी कितना होगा, लोकेशन कहाँ कहाँ पे इस पोस्टेज पर निकला है, पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो यार वीडियो लास्ट तक देखना। चलो बिना कुछ देर के मोबाइल के स्क्रीन पर चलता हूँ। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं वीडियो पर ही मेहनत से बनाता हूँ, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो देख लेते सब्सक्राइब नहीं करते, अच्छा नहीं लगता यार, इसलिए बोल रहा हूँ। पोस्टेज निकला है, टोटल 13 पोस्टेज है, यूनियन सर्विस के कम्युनिटी ऑफिसर के हिसाब से निकला है, यानी कि UPSC ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, यानी कि इंडिया के कोई भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है, एनी ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, यानी कि बैचलर डिग्री होने पर आप लोग कर सकते हो। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम एज 48 दिया गया है, लास्ट डेट बोले तो इसका 3 तारीख को है, यानी कि UPSC में ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट होगा 3 तारीख। इसका अप्लाई कैसे करना पड़ेगा पूरी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जा बता दूंगा, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना। यहाँ पे बोले तो यूनियन पब्लिक सर्विस कम्युनिटी ऑफिसर CPSC हैज़ बीन इशूड फ्रॉम द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर द UPSC रिक्वायरमेंट 2022। UPSC के नया रिक्वायरमेंट के लिए UPSC ने जारी कर दिए कि आप कितने पोस्टेज चाहिए, क्या क्या चाहिए, पूरी इस पोस्टेज के बारे में आप लोग को जानकारी दूंगा। तो यार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग इसको अगर नहीं दोगे तो हमें अच्छा लगता है ना थोड़ी। इस पे एज रिक्वायरमेंट कितना होगा और मोड कैसा होगा आप लोग को मैं वो बता देता हूँ। UPSC रिक्वायरमेंट 2022 की तरफ से निकला है, UPSC की तरफ से निकला है, जो एक बोर्ड है रिकॉग्नाइज। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात बोलो तो 33 पोस्ट निकले, यानी कि 33 पोस्टेज है। लास्ट डेट की बात बोलो तो यहाँ पे लास्ट डेट मिल रहा है मार्च के 3 तारीख को। ऑर्गेनाइजेशन की बात बोलो तो यहाँ पे आप लोगों को यूनियन पब्लिक सर्विस कम्युनिटी ऑफिसर का पोस्टेज है। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। टोटल वैकेंसीज 33 है। और लोकेशन की बात बोलो तो ऑल इंडिया लोकेशन है। पोस्ट की बात बोलो तो यहाँ पे आप लोगों को ऑफिसर की पोस्ट, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। डिटेल ऑफ वेरिफिकेशन डिटेल पे थोड़ा दूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है 8 और स्टोरेज ऑफिसर का पोस्ट है 11 और असिस्टेंट मिनरल ऑफिसर का पोस्ट है 14। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको लोगों को डी कैंडिडेट हैज़ बीन मास्ट फ्रॉम बिंडा अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ UPSC रिक्वायरमेंट 2022। रिक्वायर्ड एज लिमिट मांगी गई है 48 ईयर को, यानी कि 48 साल होने पर मैक्सिमम होगा। सैलरी पैकेज की बात बोलो तो ये आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात बोलो तो यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन प्रोसेस करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के फीस जनरल OBC EWS के लिए 25 है, SST PW के लिए नहीं जाइए। अगर आप लोगों को नहीं पता कि EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाए तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर बना सकते हो। ये सभी बात हो गई तो चलो और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आप लोगों को। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, कारण मैं यहाँ पर रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर करना। जय हिंद। और